नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज राजस्थान की जो प्रमुख मंडियां हैं, प्याज के भाव जान लेंगे वहां के, कि वहां प्याज का भाव जो है क्या चला है क्या नहीं चला है वो दे देंगे आपको। लेकिन ये पहले ये बोल देता हूँ कि जितना राजस्थान की मंडियों में ज्यादा उतार चढ़ाव जो है, बहुत ज्यादा मतलब अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा है प्याज के अंदर। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, एकदम से बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो इस तरह का उतार चढ़ाव तो देखने को इसके अंदर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है राजस्थान की मंडियों में। तो चलिए सबसे पहले आपको भाव दे देते हैं राजस्थान की प्रमुख मंडियों का। तो बीकानेर से अगर स्टार्ट करते हैं तो बीकानेर में 1400 गया है, और सीकर की अगर बात करते हैं तो 1050 गया है, चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो 1800 गया है, गंगानगर की अगर बात करते हैं तो गंगानगर में 1600 गया है, जोधपुर की अगर बात करते हैं तो जोधपुर में जो है 1200 गया है, उदयपुर मंडी की बात करते हैं तो उदयपुर में 1200 गया है, विजयनगर की अगर बात करते हैं तो 1450 गया है, जालौर की अगर बात करते हैं तो जालौर में 1200 गया है, नवलगढ़ मंडी की अगर बात करते हैं तो नवलगढ़ मंडी में जो है 1600 रुपये गया है, सूरतगढ़ मंडी की अगर बात करते हैं तो सूरतगढ़ मंडी में 1650 गया है, जयपुर की अगर बात करते हैं तो जयपुर में 1600 गया है, कोटा की अगर बात करते हैं तो कोटा में 800 गया है, अजमेर की अगर बात करते हैं तो 1610 गया है, भादरा मंडी की अगर बात करते हैं तो 2360 गया है। तो मतलब कि अगर वही बात है कि तेजी की अगर बात करते हैं तो तेजी जो है भादरा के अंदर दिखाई दे रही है, और मंडी की अगर मतलब बहुत ज्यादा गिरावट की अगर बात करते हैं तो कोटा में दिखाई दे रही है, और बाकी नवलगढ़ में रेट जो है ठीक दिखाई दे रही है, चित्तौड़गढ़ में भी ठीक है, बीकानेर में के मंडी के हिसाब से बीकानेर के भाव भी इसमें ठीक नजर आ रहे हैं। तो मतलब जो सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो कोटा के अंदर रेगुलरली देखी जा रही है, और इसके अलावा जो सबसे तेजी जो देखी जा रही है राजस्थान के अंदर वो भादरा मंडी में देखी जा रही है। तो मतलब कि एवरेज भाव जो है उसी तरीके के ही चल रहे हैं जिस तरीके से हमेशा चलते हैं, ज्यादा उठा पटक जो है इसके अंदर नहीं देखे जा रहे। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।